मेरे को आज मॉडल से मॉडल मतलब वाला ना। हाँ एग्जैक्टली मेरे को दिखना है। कभी कभी क्या होता है वो चैटिंग है तो गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। आई एम विजिबल टू ऑल ऑफ यू। मेरा आवाज आ रहा है? एक्चुअली आज मैं थोड़ा सा आपको मॉडल दिखाना चाह रहा था क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म आज हम शुरू करेंगे। यस, स्टार्ट विथ अ बिग स्माइल। यस गौरव, लेट्स स्टार्ट विथ अ बिग स्माइल। नाउ आज हम शुरू करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कॉम्पाउंड कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कॉम्पाउंड में कैसे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। मैं आज पूरा मॉडल लेके आया। शुरू करें? मॉडल से देखना है नहीं देखना है ये बताओ। कितने बच्चे आप लोग में बोल रहे कि यहाँ से मॉडल से देखना चाहता हूँ, बताइए तो। ये कौन सा सिस्टम एकदम आज दिखना चाहिए? क्या आपको लग रहा है, क्या आपको लग रहा है? इट्स अ सीस कंपाउंड, इट्स अ हाइड्रोजन, इट्स अ इथीन,
ए हाइड्रोजन हाइड्रोजन इट्स अ क्लोरीन क्लोरीन एंड दोनों क्लोरीन सेम साइड ऑपोजिट साइड. आज मेरे को स्टेप मॉडल डिस्कस करना है. ठीक, नो प्रॉब्लम आई होप. क्योंकि सबसे पहले आपको मॉडल अगर नहीं दिखेगा आपको विजुअलाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है. स्टीरियो आइसोमेरिज्म बच्चे छोड़ देते हैं, बच्चे हमेशा डिफिकल्ट लगते हैं बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द यू नो मॉडल पिक्चर्स मॉडल प्रेजेंटेशन इनको पता नहीं है. डू यू फील इट इज ए सिस कंपाउंड, एम आई राइट? अच्छा, सिस कंपाउंड होने के लिए ये जो कार्बन कार्बन इट्स ए डबल बॉन्ड इट्स ए सिंगल बॉन्ड, पहले तो ये बता दीजिए. इट्स ए डबल बॉन्ड इट्स ए सिंगल बॉन्ड. आराम से, आज टाइम है हमारे पास, आराम से बोलिए. सेम ग्रुप्स आर इन ग्रीन, ग्रीन आर इन द सेम साइड, व्हाइट व्हाइट आर इन द सेम साइड. इट्स अ सीज, इट्स अ ट्रांस, टेल मी. इट्स अ सीज कंपाउंड, वेरी गुड. अच्छा, सीज कंपाउंड और ट्रांस कंपाउंड होने के लिए, जीआई होने के लिए कार्बन के साथ दोनों ग्रुप, ये जो ग्रीन एंड व्हाइट, क्या ये दोनों ग्रुप सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए? बस इतना बता दीजिए. एक एक चीज क्लियर होना चाहिए. इट शुड बी सेम, इट शुड बी डिफरेंट. यस, बच्चे कह रहे हैं इट शुड बी सेम, इट शुड बी सेम, वेरी गुड. क्या ये जी आई शो करेगा? क्या दिस कंपाउंड शो जी आई? इस कार्बन के साथ ग्रीन ग्रीन पड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ व्हाइट व्हाइट पड़ा हुआ है, क्या ये जी आई शो करेगा, बता दीजिए. नो सर. क्यों? क्योंकि इसका सिस ट्रांस का कोई मतलब नहीं है. दैट मीन्स अगर कोई एक कार्बन पे, अगर कोई एक कार्बन में दोनों ग्रुप आइडेंटिकल हो गया, क्या बोला मैंने अगर एक कार्बन पे दोनों ग्रुप आइडेंटिकल हो गया, जी आई पॉसिबल नॉट पॉसिबल. क्या आंसर दे रहे? इट्स ए नॉट पॉसिबल. पर अगर ग्रुप डिफरेंट हो गया, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, अगर मेरा ग्रुप डिफरेंट हो गया, ये देखिए व्हाइट एंड ग्रीन आ गया, ये देखिए इसमें व्हाइट एंड ग्रीन आ गया, क्या ये जी आई शो करेगा, बता दीजिए. क्या ये जी आई शो करेगा, टेल मी. क्या ये जी आई शो करेगा, यस और नो? आंसर इज यस सर. एंड इट्स ए विच कंपाउंड? अगर मैं बोलू ग्रीन ग्रीन, दे आर इन द सेम साइड, दे आर इन द ऑपोजिट साइड. ग्रीन ग्रीन, दे आर इन द सेम साइड, दे आर इन द ऑपोजिट साइड. दे आर इन द ऑपोजिट साइड, वेरी गुड. व्हाइट व्हाइट, दे आर इन द सेम साइड, दे आर इन द ऑपोजिट साइड. दे आर इन द ऑपोजिट साइड. इट्स अ सीज, इट्स अ ट्रांस. इट्स अ सीज, इट्स अ ट्रांस. It's a trans compound. And trans ho, cis ho, group should be in the same plane. Kya bola maine? Cis or trans isomer ke liye? Kya bola maine? Group should be. That molecule must be planar. Jo group ke liye aap cis trans bolte ho, that group should be in the same plane, in the different plane. It's a which compound and it's a which compound? Tell me. Ye dono compound kon hai? Ye dono compound. It's mera left hand mein jo hai. That is this one. ये मेरा कौन सा compound? ये मेरा कौन सा compound? This one. Which compound it is? It's a cis compound. This one. It's a कौन सा compound? ये वाला. It's a trans compound. आ गया समझ में? Clear? कितने बच्चे को clear हुआ? मेरे ख्याल से सबको clear हुआ. बहुत easy है. Now I am saying, देखिए तो इसमें कितने double bond है? How many double bonds are there? पहले ये बता दीजिए, कितने सारे double bond? दो नहीं है, आपको दो लग रहा है, मेरे पास तीन दिखाई दे रहा है. कितने double bond दिखाई दे रहा है? आपको double bond दिखाई दे रहा है? Double bond दिखाई दे रहा है? This is one double bond. यानी जो continuous double bond, इस continuous double bond को क्या कहते हैं? This continuous double bond can say alene. It's a even number of double bond. It's a odd number of double bond. It's a even number of double bond. It's a odd number of double bond. Odd number of double bond. Three is the odd number. Am I right? Three is the odd number. And again, all groups are in the blue, okay, violet, yellow, green, white. They are in the same plane. They are in the different plane. They are in the same plane. They are in the different plane. They are in the same plane. And if they are in the same plane, it can show. If they are in the same plane, very good. It can show GI, very good. And agar main aapko bolu sare group different, ye dono group different, kya ye GI show karega? Ye dono group different, kya ye GI show karega? Yes or no? Yes sir, obviously. Koi no likh raha hai, kon no likh raha hai pata nahi, koi no likh raha hai. Ek bachche ne no likha, baki sab yes likh raha hai. और एक बार एलीन कब जीआई शो करेगा?
थ्री डबल बॉन्ड कॉन्टिन्यूअस। माई क्वेश्चन इज क्या ए जी आई शो करेगा, क्या ए जी आई शो करेगा? यस, व्हेन इट विल शो जी आई, कब जी आई शो करेगा? जब एक ही कार्बन के साथ दोनों ग्रो, एक ही कार्बन के साथ दोनों ग्रो, डिफरेंट एक ही कार्बन के साथ दोनों ग्रो, देखिए व्हाइट एंड ग्रीन, देखिए व्हाइट एंड ग्रीन, एंड इट्स येलो एंड वायलेट, दे आर ऑल डिफरेंट एंड इट्स जी आई। एंड इफ आई एम आस्किंग यू दिस इज अनदर मॉलिक्यूल, देखिए येलो के साथ येलो, येलो के साइड में येलो ही है। ये देखिए क्या डिफरेंस है ये दोनों कंपाउंड में, बताइए। येलो के साथ येलो दिखाई दे रहा है, वायलेट के पोजीशन में वायलेट दिखाई दे रहा है, बट कोई एक साइड में ग्रुप दोनों डिफरेंट हो गया। और अगर कोई एक साइड में ग्रुप डिफरेंट हो गया, व्हाइट की जगह ग्रीन एंड ग्रीन की जगह व्हाइट की जगह ग्रीन एंड ग्रीन की जगह व्हाइट, सो दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ जी आई assistance बोल सकते हैं, आप EZ कह सकते हैं, बट इसको बोलेंगे। And एक दोनों का mirror image है क्या? क्या एक दोनों का mirror image? They are not mirror image. And mirror image नहीं है। GI जो होता है, वो आपस में कभी mirror image नहीं होता है। They are mirror image? एक बार बताओ। क्या they are mirror image? They are not mirror image. And they are not mirror image. Stereoisomers which are not mirror image are called diastereomers. आज कुछ लिखना नहीं है, आज सिर्फ मॉडल से चलेगा, ठीक है? हेलो, बोलो भाई, मॉडल से आज बताएंगे, यस और नो? सो स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेज रिलेशनशिप, स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेज रिलेशनशिप आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। सो ऑल जीआई आर रिलेटेड एज, ये देखिए ये दोनों मिरर इमेज है क्या? येलो के साथ येलो मिरर इमेज दिखाई दे रहा है, ये देखिए मिरर इमेज दिखाई दे रहा है। एंड बट ग्रीन एंड व्हाइट एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, दे आर रिलेटेड एज एनीबॉडी, दे आर रिलेटेड एज व्हाट वी कैन से, दे आर रिलेटेड एज डायस्टीरियोमा। क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज, बता दीजिए, क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज है? क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज है? ऑब्वियसली नॉट मिरर इमेज, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म अगर मिरर इमेज नहीं होता है, नो मिरर इमेज रिलेशनशिप। स्टीरियोआइसोमर्स में अगर कोई मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डायस्टीरियोमर्स। चलो आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है? अरे मजा, ओके चलो बताओ कितने डबल बॉन्ड, टेल मी हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, टू डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड सिस्टम को क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूस डबल बॉन्ड सिस्टम को क्या कहते हैं? एलीन कहते हैं। क्या बात है, वेरी गुड। अगर मैं बोलूं दिस मॉलिक्यूल इज इन द सेम प्लेन और डिफरेंट प्लेन, ये देखिए एक ऐसा प्लेन में चल रहा है और एक परपेंडिकुलर प्लेन में जा रहा है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में जा रहा है। राइट, यस एंड नो? इट्स अ प्लेनर इट्स अ नॉन प्लेनर। नाउ यहां से इस ग्रुप का जो डिस्टेंस है, व्हाइट से ब्लू का जो डिस्टेंस है, व्हाइट से रेड का डिस्टेंस भी बराबर है ना, यस और नो? एंड इफ ग्रुप्स आर नॉट इन द सेम प्लेन, देन इट कैन नॉट शो जी आई, बिकॉज अगर मैं ये दोनों को चेंज करूंगा, सर दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, मतलब वो जी आई नहीं हो सकते, क्योंकि इनका जितना डिस्टेंस है इसमें भी उतना ही डिस्टेंस चल रहा है। एंड मेरे पास है, ये देखिए मेरे पास है दो मॉलिक्यूल्स में डिस्कस कर रहा हूं, क्या ये दोनों आपस में जी आई है क्या, बताइए? क्या ये एलीन है? क्या ये एलीन है? क्या ये जी आई शो करेगा? क्या ये एलीन है? क्या ये जी आई शो करेगा? यस एंड नो? एवरीबॉडी गॉट? Now what we can say, I am saying कि ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से जी आई होगा क्या? क्या है ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से जी आई होगा? इंडिविजुअल मॉलिक्यूल क्या जी आई शो करेगा? हर बच्चे लिखे, आपको आज लिखना है खूब सारे, और एकदम देखने आज लिखना नहीं है, मतलब आपको बोलना है, चैट में लिखना है, मतलब आई एम सेइंग
क्योंकि हम कुछ नहीं लिखाएंगे आज, तो आज हम सिर्फ दिखाएंगे मॉलिक्यूल्स कैसे होता है, अपने नए नए टर्म यूज करते हैं, क्या क्या टर्म हम यूज करते हैं. इंडिविजुअल मॉलिक्यूल विल शो जीआई और इंडिविजुअल मॉलिक्यूल विल नॉट शो जीआई. एनीबॉडी, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल विल शो जीआई, विल नॉट शो जीआई. ओके सर, दे आर नॉट जीआई, दैट आई अंडरस्टैंड, बट दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या इसमें कोई सिमेट्री दिखाई दी? आप ऐसा करके काटोगे, कोई सिमेट्री नहीं मिलेगा, कोई प्लेन नहीं मिलेगा आपको. क्या प्लेन मिलेगा? ऐसा करके काटेंगे, कोई सिमेट्री नहीं मिलेगा. ऐसा करके काटेंगे, ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में काटेंगे, क्या ऐसा कोई सिमेट्री मिलेगा? आराम से, जिनको नहीं आ रहा है बता देना, और अगर नहीं आ रहा है मैं और एक बार रिपीट करूंगा. माय क्वेश्चन इज, क्या ऐसा कोई काटेंगे, कोई सिमेट्री मिलेगा? इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. देखिए सर, हम काट रहे सिस्टम को, हम सिस्टम को काट रहे. I am bisecting the molecules. I am bisecting the molecule, and there is no symmetry, obviously. And if there is no symmetry, no center of symmetry, no plane of symmetry, this molecule is optically active. क्या बोलते हैं? This molecule is. इसका कुछ नाम देते हैं. इसका कुछ नाम देते हैं. इसको क्या कहते हैं? इस molecule को कहते हैं optically active system. क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? बताओ. Yes, this molecule is called. This molecule is called optically active system. And the point is, मैं जो कहना चाह रहा हूं, क्या आपको लग रहा है इसका मिरर इमेज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देगा? क्या आपको लग रहा है इससे मिरर इमेज? एग्जैक्टली. देखो तो रेड का मिरर इमेज रेड, देखो रेड का मिरर इमेज रेड, ब्लू का मिरर इमेज ब्लू में जा रहा है, व्हाइट का मिरर इमेज व्हाइट में जा रहा है. एग्जैक्टली मिरर इमेज. And optically active compound का mirror image, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे enantiomer. क्या कहेंगे इसको? And हम क्या कहते हैं? Enantiomer सर non-superimposable mirror image, superimposable mirror image. क्या कहते हैं हम? Enantiomers are superimposable, non-superimposable. बच्चे कह रहे हैं, सारे बच्चे लिख रहे हैं non-superimposable mirror image. ये देखो कितना मजा आ गया. It's a superimposable, it's a non-superimposable. It's a non-superimposable. I hope you understand. Non-superimposable का मतलब, ये देखिए, मैं इसके ऊपर मॉलिक्यूल को रखना चाहता हूँ. ये देखिए कैसे मैं मॉलिक्यूल को रख रहा हूँ. ये देखिए ग्रीन के साथ ग्रीन सुपरइम्पोज कर रहा है. हेलो, ग्रीन के साथ ग्रीन सुपरइम्पोज कर रहा है, व्हाइट के साथ व्हाइट सुपरइम्पोज कर रहा है, बट रेड एंड ब्लू एक दूसरे को कभी सुपरइम्पोज कर पाएगा? रेड ब्लू, रेड ब्लू क्या एक दूसरे को कभी सुपर इम्पोज कर पाएगा? इसको क्या कहते हैं? एनेंशियोमर्स को क्या कहते हैं? एनेंशियोमर्स को क्या कहते हैं? कैसा मिरर इमेज एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा तो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, ये देखिए ग्रीन के साथ ग्रीन सुपर इम्पोज कर रहा है, बट प्रॉब्लम हो गया रेड के साथ ब्लू में कोई सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है. They are called non-superimposable mirror image. So my question is, even number of double bond. Anybody? Even number of double bond. First of all, it shows GI. And अगर सारे group different हो गया, उसमें कोई symmetry होगा क्या? उसमें कोई सिमेट्री नहीं है. उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्या? नहीं है. सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा क्या? नहीं है. तो उसका मिरर इमेज बना लेता हूं. अगर मैं उसका मिरर इमेज बना लिए, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव. इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव. एंड अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव, आई होप यू अंडरस्टैंड इसका जो मिरर इमेज एक दूसरे को ये देखिए, आप एक बार दिखा रहा हूं, आज सिर्फ दिखाना है स्ट्रक्चर. ये देखिए एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा ना. कोई बच्चे होते सर अगर इनएक्टिव होते हैं, मैं आ रहा हूं. ये देखिए, पहले तो ये बताइए कितने डबल बॉन्ड. अगेन पुराना स्ट्रक्चर में आ रहा हो, आपको इतना अच्छा लगेगा. पुराना स्ट्रक्चर में आ रहा हो, कितने डबल बॉन्ड?
तीन डबल बॉन्ड, क्या एजीआई शो करेगा? यस सर. क्या एजीआई शो करेगा? यस सर. क्या ये प्लैनर मॉलिक्यूल? यस सर. एंड एवरी प्लैनर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा. अच्छा होता सर, इसमें तो सारे ग्रुप डिफरेंट. मैं ऐसा काटना चाहता हूँ, येलो के बीच से, ब्लू के बीच से काटना चाहता हूँ, येलो के बीच से, ब्लू के बीच से, ऐसा ऐसा काटना चाहता हूँ. अगर मैं इससे काट दू, क्या मॉलिकुलर प्लेन आ जाएगा? आदिति लिख रहे हैं मॉलिकुलर प्लेन, वेरी गुड आदिति. क्या ऐसे काटूंगा, आधा पार्ट ऑफ येलो आधा पार्ट के सर मिरर इमेज देगा नहीं देगा? बिल्कुल देगा. मैं ऐसा काटता. माय क्वेश्चन इज इट ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? इज इट ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. इट हैज पॉज और नॉट? इट हैज पॉज और नॉट? व्हाट आई एम सेइंग, इट हैज पॉज और नॉट? डेफिनेटली सर, इसके साथ पॉज तो होगा. एंड नाउ द पॉइंट इज कमिंग, नाउ द पॉइंट इज कमिंग. देखो तो मैं चाहूंगा सारे बच्चे देखे, क्या एक दूसरे का मिरर इमेज है? मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं. कितना मजा आएगा आज, क्या आपको समझ में आ रहा है? हाउ यू आर फीलिंग? ओ नोट्स में है, यस. कैसे फील आ रहा है? आज तो मजा आएगा, आज तो क्लैप करोगे आप, क्योंकि आपको जो बहुत दिन से डाउट चल रहा है, आज सारे डाउट क्लियर पड़ेंगे. और देखिए आइसोमेरिज्म, इतने डाउट चलते हैं. देखिए तो एक दूसरे का मिरर इमेज, पूरा एक दूसरे का मिरर इमेज मैंने दिखा दी. और मैं बोल रहा हूँ दिस इज ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड. एंड इनएक्टिव कंपाउंड किसी भी इनएक्टिव मॉलिक्यूल जो मिरर इमेज आप बनाते हो ना सर, वो सुपर इम्पोजेबल होता है. किसी भी इनएक्टिव कंपाउंड, आई रिपीट द पॉइंट, किसी भी इनएक्टिव कंपाउंड का जब मिरर इमेज बनाती हूं ना सर, वो क्या होता है? सुपर इम्पोज. देख लेते हैं, ए देखो माय पॉइंट इज ब्लू के पीछे ब्लू जा रहा है, ब्लू के पीछे ब्लू जा रहा है, येलो के पीछे येलो जा रहा है, ग्रीन के पीछे ग्रीन जा रहा है, एंड व्हाइट के पीछे व्हाइट जा रहा है. सो इनएक्टिव कंपाउंड सर, फोर डिफरेंट ग्रुप्स आर देयर, देन आल्सो इट शोज जीआई. यस यस, दोनों ग्रुप डिफरेंट, देन इट शोज जीआई. माय पॉइंट इज इट सुपर इम्पोजेबल? सो हमने क्या सीखे, इनएक्टिव कंपाउंड क्या सीखे हमने, बताओ. इनएक्टिव कंपाउंड का जो मिरर इमेज होता है, एक एक पॉइंट वो सुपर इम्पोज करता है. और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का जो मिरर इमेज होता है, वो नॉन सुपर इम्पोज करता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. ए देखिए, चारों ग्रुप डिफरेंट, इट्स ऑरेंज. अरे रेड 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 रेड, ये दोनों अलग है. ये छोटा सा ग्रुप है, ये ऑरेंज, ये रेड, ये ब्लू, ये व्हाइट. It's a chiral center. What is chiral center definition? The definition is carbon, which is sp3 hybridized. And usme charo group kya hona chahiye? Same hona chahiye, different hona chahiye. Charo group different hona chahiye. Isme koi symmetry milega kya? Aisa katenge. Charo group different. Koi symmetry milega? Yes or no? The answer is no. इसमें कोई symmetry नहीं मिल रहा है. Are you sure? कोई symmetry नहीं मिलेगा? Exactly. कितने बच्चे sure हैं? Please बता दीजिए. सारे बच्चे लिख रहे हैं, I'm sure. इसमें कोई symmetry नहीं है. Okay, done. Now the point is coming. चलो देखो तो भाई, देखो तो ये दोनों आपस में क्या दिखाई दे रहा है, ए देखो, ये पहले तो ये बता, सिंगल काइरल सेंटर, नो सिमेट्री. सिंगल काइरल सेंटर, नो सिमेट्री, एंड इट इज ऑप्टिकली एक्टिव. एंड इसमें क्या दिखाई दे रहा है, सर ये तो मिरर इमेज दिखाई दे रहा है, यस और नो? एंड दिस मिरर इमेज कैसा मिरर इमेज, एक दूसरे के साथ कैसा मिरर इमेज बनाएंगे, सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल? आई ऑलरेडी सेड
जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है एक दूसरे के साथ कैसे मिरर इमेज बनाएंगे, इट्स अ सुपर इम्पोजिबल, इट्स अ नॉन सुपर इम्पोजिबल, हर बच्चा लिख रहा है इट्स अ नॉन सुपर इम्पोजिबल। आप देखोगे देखोगे कैन यू सी कैसे मिरर इमेज बनाते हैं, यही देखिए ऊपर करके मैं, यही देखिए ऊपर करने से ब्लू के जस्ट ब्लू ब्लू सुपर इम्पोज कर रहे हैं, am I right? But problem हो गया सर, रेड रेड भी सुपर इम्पोज कर रहा है, बट प्रॉब्लम कहां पे हुआ, ऑरेंज एंड व्हाइट में प्रॉब्लम आ गया। क्या एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहा है, क्या एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहा है, ऑरेंज एंड ऑरेंज एंड व्हाइट, ऑरेंज एंड व्हाइट, ब्लू ब्लू को सुपर इम्पोज कर रहा है, रेड रेड को सुपर इम्पोज कर रहा है, ऑरेंज एंड व्हाइट एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। सो एक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज एक दूसरे को, एक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेगा नहीं करेगा, सुपर इम्पोज करेगा नहीं करेगा, दे आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, हर बच्चे लिख रहे हैं दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज एंड दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग, ए देखिए कंपाउंड इसमें दोनों व्हाइट है और एक ग्रीन और एक ऑरेंज, कितने बच्चे को दिखाई दे रहा है, एक ग्रीन एक ऑरेंज, दो ग्रुप सेम हो गया, इट्स नॉट ए काइरल सेंटर। इसमें कार्बन के साथ दोनों को ही ग्रुप सेम होने से, ए देखिए मैं काट रहा हूं ऑरेंज एंड ग्रीन को लेते हुए मैं प्लेन बना रहा हूं, जो प्रॉब्लम करेगा जो 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 ग्रुप अलग है जो प्रॉब्लम कर रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाने में उसको काट देंगे, जो प्रॉब्लम करता है काट दो, प्रॉब्लम करेगा तो काट डालो, यस ठीक काट दो एग्जैक्टली, ये देखो प्रॉब्लम कर रहा है ये दोनों, चल इसको काट दे। सो वी से इन दिस वे ये देखो एक व्हाइट व्हाइट का मिरर इमेज बनेगा, यस यस तो काटना है, प्रॉब्लम करेगा तो काटना है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दिए प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दिए नहीं दिखाई दिए, कहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिला आपको, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां पे मिला, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिला जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको लेते हुए जो प्लेन बनाओगे उससे एक दूसरे को मिरर इमेज बन जाएगा। नाउ टेल मी Do you feel this compound? Do you feel this compound? कहाँ पे? ए देखो, yes, मैं एकदम बना रहा हूँ। एक दूसरे का मिरर इमेज तो दिखाई दे रहा है यार। सबको लग रहा है मिरर इमेज? Yes or no? मेरे को जस्ट सुनना है। Yes or no? मिरर इमेज दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? यस और नो, यस और नो, हर बच्चा लिख रहा है यस है दिखाई दे रहा है। अच्छा इट्स एक्टिव और इनएक्टिव, दिस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इट्स एक्टिव इट इज इनएक्टिव, दिस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज इनएक्टिव एंड अगर इनएक्टिव मॉलिक्यूल होता है क्या इस मॉलिक्यूल में जो मिरर इमेज होगा वो कैसा मिरर इमेज, इस मॉलिक्यूल में जो मिरर इमेज होगा वो कैसा मिरर इमेज, वो सुपर इम्पोजिबल, देख लेते हैं क्या सुपर इम्पोजिबल देख लेते हैं, यस एंड नो। ए देखो भाई क्या तेरा लग रहा है, क्या सुपर इम्पोज करे इसको, कैसे करेंगे सुपर इम्पोज? सर देखो आगे देखो तो व्हाइट के पीछे व्हाइट के नीचे व्हाइट आ रहा है, व्हाइट के नीचे व्हाइट आ रहा है, सुपर इम्पोज दिखाई दे रहा है, यस नहीं आ रहा इनको समझ में, ग्रीन के नीचे ग्रीन, ग्रीन के नीचे ग्रीन, ऑरेंज के नीचे ऑरेंज, ग्रीन के नीचे ग्रीन, व्हाइट के नीचे व्हाइट, एंड दैट्स कॉल्ड एनीबॉडी, दैट्स कॉल्ड सुपर इम्पोजिबल। ये जो बच्चे समझ नहीं पाता है क्योंकि किताब तो लिख के छोड़ देते हैं, किताब तो कुछ दिखाते ही नहीं है बच्चे, हमेशा ये गड़बड़ होता है। सुपर इम्पोजिबल होने से क्या होगा, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ब्लैक बॉल्स आर नॉट सुपर इम्पोजिबल। अरे एक दूसरे में सुपर इम्पोज नहीं है क्या,
कौन बोल रहे हैं ब्लैक बॉल इज नॉट सुपर इम्पोज, कौन, एक ही तो ब्लैक है, क्या ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन बोल रहे हैं ब्लैक बॉल इज नॉट सुपर इम्पोज, क्या ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। नोट्स का लिखेंगे, ये आपने जो नोट्स दिए है उनको लिखा ले आदित्य, नोट्स आज हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम ऑलरेडी नोट्स दे चुके, आज हम से कंपाउंड दिखाएंगे, यू अंडरस्टैंड। आप बार बार एक चीज क्यों लिख रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम तो मेरा को डाइवर्ट कर रहे हो यार। माय क्वेश्चन इज, क्या है सुपर इम्पोजिबल, जिनको लग रहा है सुपर इम्पोजिबल वो पता है, जिनको लग रहा है सुपर इम्पोजिबल पता है, यस एंड नो, सर बिल्कुल ये सुपर इम्पोजिबल। नाउ नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग, आज से कंपाउंड दिखाना चाहता हूं। देखिए पहले तो बताइए, डू यू फील इट्स अ सिंगल बॉन्ड, डू यू फील इट्स अ सिंगल बॉन्ड, क्या ये जीआई शो करेगा? आपको पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कभी जीआई शो नहीं करता है, सर ये तो सीज है, ये तो सीज है सर, दोनों कार्बन सेम है, सेम साइड में है, नो ये देखिए सीज को मैंने ट्रांस कर लिया, ऐसा थोड़ी होता है, रोटेट करके सीज ट्रांस पे थोड़ी होता है, सीज एकदम अलग कंपाउंड होता है और ट्रांस एकदम अलग कंपाउंड होता है, हेलो सीज अलग होता है ट्रांस अलग होता है, बट इस कंपाउंड में तो आपने आप रोटेट हो रहा है, मॉलिक्यूल आपने आप रोटेट कर रहा है, यस और नो, फ्री रोटेशन होने से इस मॉलिक्यूल में, फ्री रोटेशन होने से, सबसे पहले फ्री रोटेशन होने से इस मॉलिक्यूल में, जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जैक्टली ऐसे ही आंसर देना है, टाइम खराब नहीं करना है, सिस ट्रांस पॉसिबल नॉट पॉसिबल, सिस ट्रांस पॉसिबल नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल, और अगर जो मैं सीज ट्रांस दिखाया है, ये ट्रांस, तो इसको रोटेट करके सीज बना सकते हैं, अरे भाई टूट जाएगा, करो मत, ये देखो तोड़ रहा हूं मैं, क्या हो सकते, क्या हो सकते, सीज ट्रांस रोटेट करके कभी भी एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होता है, एंड इसमें फ्री रोटेशन होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, सीज ट्रांस होने के लिए, सीज ट्रांस होने के लिए, इट्स अ फ्री रोटेशन, इट्स अ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, हम कहते हैं ना, this is a restricted rotation, this is a restricted rotation, and ये दोनों compound एक दूसरे में से bond rotation करके possible, और these are two different compound, these are two different compound, these are the same compound, these are the two different compound, these are the same compound, these are the same compound or different compound, obviously different compound, obviously different compound, क्योंकि एक cis है और एक trans है और एक दूसरे को convert क्या rotation से नहीं हो सकते, but can it show GI? Tell me, can it show GI? No sir, it cannot show GI. Now tell me, एक नया पॉइंट आ रहा है, क्या आपको वायलेट दिखाई दे रहा है, व्हाइट दिखाई दे रहा है, ग्रीन दिखाई दे रहा है, एक दूसरा ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसमें कितने काइरल सेंटर बता दीजिए, कार्बन कार्बन sp3 कार्बन कितने काइरल सेंटर दिखाई दे रहा है, बच्चे ने कहा इसमें दो काइरल सेंटर, कौन सा कौन कौन काइरल सेंटर, ब्लैक बॉल्स आर, ब्लैक बॉल्स आर, ब्लैक बॉल्स आर, ब्लैक बॉल्स आर क्या बोलेंगे, काइरल सेंटर, वेरी गुड, ब्लैक बॉल्स आर काइरल सेंटर, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग, कितने काइरल सेंटर दिखाई दिए, कितने काइरल सेंटर दिखाई दिए, एंड अगर मैं बोलूं ऐसा काटना चाहता हूं बीच से, क्या वायलेट वायलेट कट जाएगा, क्या व्हाइट व्हाइट का मिरर इमेज बनेगा, मॉलिक्यूल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्या मॉलिक्यूल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वन पार्ट इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर पार्ट, वन पार्ट इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर पार्ट, सो दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव इन अकेले, दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव इन अकेले, दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव इन अकेले, इट्स ए इनएक्टिव मॉलिक्यूल, कितने काइरल सेंटर तुमको दिखाई दिए, आपको कितने काइरल सेंटर दिखाई दिए, और ऐसा मत मॉलिक्यूल जहां पे एक से ज्यादा काइरल सेंटर, जहां पे एक से ज्यादा काइरल सेंटर, बट इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, दैट इज कॉल्ड मेसो कंपाउंड, क्या बोलते हैं इसको, ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेसो कंपाउंड, मेसो कंपाउंड में पॉज भी हो सकते, पॉज भी हो सकते, दोनों भी हो सकते, एक चीज बहुत मजेदार चीज, आपको लग रहा है क्या कि जीआई शो करेगा, यस और नो, यस और नो, बट फ्री रोटेशन से वो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे और उसको कहते हैं कॉन्फॉर्मेशन,
कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। कॉन्फॉर्मेशनल मतलब अगर फ्री रोटेशन में अलग अलग स्ट्रक्चर आते हैं, ये देखिए स्ट्रक्चर अलग हो गया, ये देखिए स्ट्रक्चर अलग हो गया, पहले वायलेट वायलेट एक साथ था, पहले वायलेट वायलेट एक साथ था, एक साइड पे था, एंड दैट्स कॉल्ड इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स मतलब ये देखो, इक्लिप्स का मतलब आप सामने वाला देख पा रहे हो, पीछे वाला देख नहीं पाओगे। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में हम सन को नहीं देख पाते हैं, लूनर इक्लिप्स में हम मून को नहीं देख पाते हैं, इक्लिप्स में हम पीछे वाला सिस्टम को, पीछे वाला एटम को नहीं देख पा रहा है। क्या ग्रीन के पीछे ग्रीन है, क्या व्हाइट के पीछे व्हाइट है, क्या वायलेट के पीछे वायलेट है, दिस इज विच पोजिशन, दिस इज कॉल्ड इक्लिप्स। एंड पूरा 180 डिग्री घुमा दिए, ए देखो सब दिखाई दे रहा है, क्या आपको सारे दिखाई दे रहा है, एंड पूरा एक दूसरे का जस्ट 180 डिग्री में आ गया। एक दूसरे का 180 डिग्री में आना मतलब, एक दूसरे का 180 डिग्री में आना मतलब, इट्स कॉल्ड एंटी पोजीशन, इट्स कॉल्ड स्टैगर्ड पोजीशन, इट्स कॉल्ड फुल्ली स्टैगर्ड पोजीशन। पर मॉलिक्यूल एक ही है, एक ही मॉलिक्यूल के बीच अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहा है। ऐसा कितने स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसा कितने स्ट्रक्चर मिलेगा अगर तुम बॉन्ड को रोटेट करोगे। गौरव ने लिखा, सब लोग लिख रहे हैं, काफी बच्चे लिख रहे हैं, इनफाइनाइट, एग्जैक्टली इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। हम 1 डिग्री में घुमा सकते, 2 डिग्री में घुमा सकते, 3 डिग्री में घुमा सकते, कुछ किसी भी एंगल में घुमा सकते, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर। एंड दिस इनफाइनाइट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, एनीबॉडी, दिस इनफाइनाइट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। आज पूरा एक आइडिया देना है, देखो, और इतना मजेदार चीज है, आपको मॉडल से इतना फील आएगा। आज का क्लास जिन्होंने मिस किया, बहुत मिस हो गया उनका, बहुत बहुत उनका नुकसान हो जाएगा। सो मैं बोलना चाहूंगा सारे बच्चे को, प्लीज रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। माय क्वेश्चन इज, क्या ए एंटी, यस यू अंडरस्टैंड, यस दिस इज एंटीपोजिशंस, दिस इज एंटीपोजिशन, ग्रीन ग्रीन के पीछे है, व्हाइट व्हाइट के पीछे है, आपका एंटी दिखाई दे रहा है, यस और नो? सर एंटी है, और पहले मैंने जो बनाया, अच्छा एंटी में सर नया सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये देखिए दिस इज अ सेंटर, ब्लू के जस्ट पीछे ब्लू, ब्लू के जस्ट पीछे ब्लू, यस और नो? यस और नो? व्हाइट के जस्ट पीछे व्हाइट, व्हाइट के जस्ट पीछे व्हाइट, यस और नो? एंड ग्रीन के जस्ट पीछे ग्रीन, यस और नो? दिस इज कॉल्ड, एक और सिमेट्री आ गया, व्हिच सिमेट्री इट इज, इट इज व्हिच सिमेट्री, इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। कौन सा सिमेट्री हो गया, दिस इज कॉल्ड व्हिच सिमेट्री? एकदम सर एक दूसरे के पीछे आना मतलब आप एकदम इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया। दैट मींस द थिंग इज, पहले तो फ्री रोटेशन हो रहा है, अमन सुनते रहे, पहले तो फ्री रोटेशन हो रहे हैं, फ्री रोटेशन में कितने स्ट्रक्चर मिलेगा, इट्स ए सिंगल स्ट्रक्चर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। एक एक करके सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, अमन बोलते रहिए, तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो गया, सुनते रहो, इट्स ए वन स्ट्रक्चर, इट्स ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर सर, इट्स ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर मिलते रहेगा सर। और अगर मैं बोलू दोनों बराबर, मतलब ये देखिए जीरो डिग्री एंगल, जीरो डिग्री एंगल में अगर जीरो डिग्री, जीरो डिग्री कौन सा, प्लेन के बीच, हाइड्रोजन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, ये देखिए हाइड्रोजन इज अ ब्लू वायलेट, यू कैन से दिस हाइड्रोजन इज, इसका बीच में दो प्लेन के बीच में एंगल कितना है, दो प्लेन के बीच में एंगल कितना है, जल्दी बताइए, दो प्लेन के बीच में एंगल जीरो डिग्री, ए देखिए थोड़ा सा अगर बढ़ा दी, कितने एंगल हो गया 60 डिग्री, ए देखिए, ए देखिए 120 डिग्री, ए देखिए कितने एंगल में जा रहा है, कितने एंगल में जा रहा है 180 डिग्री, वेरी गुड। ए देखिए मैं इधर आ गया 240, और कोई बात जब बच्चे बोलना चाहेंगे सर इट इज ए माइनस 120, बिल्कुल बोल सकते, इधर और घुमा रहा, और घुमा रहा 300, नहीं 360 कहां पे, ये 360 कहां पे, इट्स ए 300, और एक चीज और बोल सकते, इट्स ए माइनस 60 डिग्री,
आइदर 300 और एंड पूरा घूम गया, कितने एंगल में आ गया 360। और एक बार कितने एंगल में चल रहे बताओ, सबसे पहले कितने एंगल में, दोनों प्लेन के बीच कितने एंगल, 0 डिग्री। गलत ना लिखे, दोनों दोनों के बीच कितने एंगल में जा रहा है, 0 डिग्री। वेरी गुड वेरी गुड। नाउ ऐसा सिंपली ऐसा कर दिए, वायलेट वायलेट आपको सिर्फ वायलेट वायलेट देखते हैं, वायलेट वायलेट कितने एंगल में जा रहा है, 60। एंड दैट इज कॉल्ड गॉड फॉर्म। कौन सा, दैट्स कॉल्ड व्हिच फॉर्म, दैट्स कॉल्ड गॉड फॉर्म। और अगर मैं ऐसा कर दू, ए भी गॉड फॉर्म, ए प्लस 60। और अगर अगर इधर कर लिए, दैट इज माइनस 60। और माइनस 60 का और एक एंगल क्या बताया, और एक एंगल क्या बताया, यस जी ए यू सी एच ई गॉड फॉर्म। माइनस 60 का और एक एंगल क्या बताया, माइनस 60 का और एक एंगल बताया 300। चलो और एक बार, कितने एंगल में, कितने एंगल में मेरे साथ सर 0 डिग्री। चलो एक बार बताओ कितने एंगल में जा रहा है, 60 डिग्री। ए देखो एक दूसरे का पीछे चला गया, बट अलग अलग ग्रुप पीछे चल रहा है, ये भी इक्लिप्स्ड, बट थोड़ा थोड़ा तो दिखाई देगा ना, अलग अलग ग्रुप थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, यस और नो, दैट्स कॉल्ड क्या क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड पार्शियलिटी। ऑब्वियसली इट इज क्लियर, एक के पीछे एक है बट पार्शियली, सेम ग्रुप अगर एक के पीछे एक होता है, अगर सेम ग्रुप है, देखिए वायलेट के पीछे वायलेट, ग्रीन के पीछे ग्रीन, व्हाइट के पीछे व्हाइट, इट इज एग्जैक्टली fully eclipse structure, it is exactly fully eclipse structure. चलिए आगे वालों बोलो, कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है, 60 डिग्री में आ गया, कौन सा स्ट्रक्चर आ गया, गॉच आ गया, क्या बात है, और स्टेगर्ड, इसको गॉच को क्या बोलते हैं, स्टेगर्ड स्ट्रक्चर, पार्शियली स्टेगर्ड स्ट्रक्चर। चलो आगे बोलो कितने एंगल, वायलेट कितने एंगल, वायलेट कितने एंगल, 120। पर एक के पीछे एक आ गया, आइडेंटिकल ग्रुप्स एक के पीछे एक नहीं है, नॉन आइडेंटिकल ग्रुप एक के पीछे एक, नॉन आइडेंटिकल होने के वजह से, नॉन आइडेंटिकल होने के वजह से क्या बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा तो दिखाई देगा, दैट्स कॉल्ड पार्शियली क्लियर। चलो आगे बोलो, ए देखिए वायलेट के पीछे वायलेट, ग्रीन के पीछे ग्रीन, ग्रीन के पीछे ग्रीन, व्हाइट के पीछे व्हाइट, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंटी स्ट्रक्चर। कितने एंगल में जा रहा है, दोनों प्लेन के बीच कितने एंगल चल रहा है, इसको कहते हैं डायहेड्रल एंगल, दोनों एंगल दोनों के बीच कितने एंगल में जा रहा है, 180। आगे बोलो, पूरा घूम गया, कौन सा स्ट्रक्चर, 240 में अगेन पार्शियल इक्लिप्स आया, अगेन बोलो 300, अगेन गॉच आ गया, और अगेन 360 कंप्लीट घुमा दिए, मतलब पूरा ना स्ट्रक्चर आ गया, फुल इक्लिप्स स्ट्रक्चर आ गया। नाउ टेल मी कितने काइरल सेंटर दिखाई दे रहे हैं, बताओ क्या मजा आ रहा है, मैं आज पूरा फील देना चाह रहा था बच्चे को, ये देखो तुमने इतने दिन से तुमने बहुत मेहनत की, बट तुमको कम समझ में आया, जैसे पता नहीं चलता है क्या होता है, किस तरीके से होता है, सुपर इम्पोजल में समझ नहीं पाता, नॉन सुपर इम्पोजल सुपर समझ नहीं पाता, बहुत मुश्किल होता है सर, कैसे कैसे करेंगे, पहले तो बताओ कितने काइरल सेंटर, 2 काइरल सेंटर, वेरी गुड। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है, दैट मींस इक्लिप्स स्ट्रक्चर में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दिए, बट अगर मैं ऐसा कर दू, कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, एक के पीछे दूसरा, एंटी स्ट्रक्चर, फुल्ली स्टेगर्ड, फुल्ली FULLY फुल्ली स्टेगर्ड स्ट्रक्चर। इसमें क्या मिल गया आपको, सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल गया। सो इस कंपाउंड में क्या है, अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे इस कंपाउंड में क्या है, इस कंपाउंड में ओनली कॉस नहीं है, इस मॉलिक्यूल में कॉस के साथ कॉस भी होगा, यस, एंड कॉस के साथ कॉस, इट्स एक्टिव इनएक्टिव, बोलो, इट्स इनएक्टिव, एंड दिस इनएक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, इस इनएक्टिव मॉलिक्यूल को कहते हैं मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड का डेफिनेशन,
more than one chiral center is present, but molecule is optically inactive due to either pause or cause or both. आया समझ में? उसके बाद एक मजेदार चीज बोलना चाहूंगा. Are you ready for that? Ready for that? Okay. देखना चाहते हो? बताओ क्या लग रहा है एक दूसरे का? आप बोलो, आज तो आप ही बोलोगे. आज तो मैं सुनते रहूंगा, मैं भी बोलते रहूंगा, बट मैं आपसे पूछते रहूंगा एक दूसरे का, एक दूसरे का. क्या मिरर इमेज दिखाई दे रहा है? एंड इनएक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज एक्चुअली आइडेंटिकल, एक्चुअली सुपर इम्पोजेबल, एक्चुअली आइडेंटिकल. मेरे को दिखाना है. क्या मैं दिखा दू सुपर इम्पोजेबल? क्या मैं दिखा दू? देखो पहले तो बताओ, मिरर इमेज दिखाई दे रहा है? ग्रीन के मिरर इमेज ग्रीन में जा रहा है, व्हाइट का मिरर में मिरर इमेज व्हाइट में आ रहा है, वायलेट का मिरर इमेज वायलेट में आ रहा है. एंड ये दोनों का रिलेशनशिप क्या है? तेरे दोनों सेम कंपाउंड, क्योंकि सर ये भी इनएक्टिव, ये भी इनएक्टिव, एक दूसरे का मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल. एंड देखो तो सेम कंपाउंड है ना. ए देखिए मैं ऐसे घुमा दी. क्या देखो तो क्या देखो, क्या एक दूसरे का सेम कंपाउंड आ रहा है? यस और नो? एक दूसरे का सेम कंपाउंड आ रहा है? यस और नो? बोलते रहो. सो मेसो कंपाउंड का मिरर इमेज, मेसो कंपाउंड का मिरर इमेज, बस इतना बता दो. मेसो कंपाउंड का मिरर इमेज आइडेंटिकल, बस ये मेरे को सुनना है. मेसो कंपाउंड का मिरर इमेज आइडेंटिकल. एनी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज आइडेंटिकल, बट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल. ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल. एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को क्या कहते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इनानशियोमर. प्रत्येक गलत बोल रही हो. नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को क्या कहते हैं? प्रत्येक मायांग गलत बोल रही हो. क्या कहते हैं? Yes, it is called enantiomer. Now, मजेदार चीज. Hello, बताओ क्या आपको लग रहा है इसमें कोई सिमेट्री नहीं है? ग्रीन के पीछे तो ग्रीन है भाई, बट ये इसके पीछे है भैया, ये कुछ है सिमेट्री दिखाई दे रहा है तुमको? ये सिमेट्री दिखाई दे रहा है क्या? बोलो क्या सिमेट्री दिखाई दे रहा है? कोई सिमेट्री नहीं है. कितने काइरल सेंटर बताओ? क्या ये काइरल सेंटर है? यस, अलग अलग ग्रुप, एक एक डीप ब्लू और एक लाइट ब्लू. इट्स ए डीप ब्लू, इट्स ए लाइट ब्लू, इट्स ए ग्रीन, इट्स ए ऑरेंज एंड इट्स ए वाइट. कितने काइरल सेंटर दिखाई दिए पहले ये बताओ? कितने काइरल सेंटर दिखाई दिए? सारे बच्चे लिख रहे हैं. मैं बच्चे आज आप चैट में लिखते रहो, क्योंकि आज आपको कुछ लिखता नहीं, चैट में लिखते रहना है. कितने काइरल सेंटर दिखाई दिए? यस, दो काइरल सेंटर. चलो आगे बढ़ते. ए देखिए हमारे पास आगे क्या है देख लेता हूँ. यस, मैं आपके लिए स्पेशली बना के लेके आया. देखो हाँ, आज आपके लिए मैंने स्पेशली लेके आया. मजा आया? ए देखिए, ग्रीन के मिरर इमेज दिखाई दे रहा है, एकदम ग्रीन मिरर इमेज. देखो एकदम डायरेक्टली मिरर इमेज दिखाई दे रहा है. यस, एंड दैट मिरर इमेज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. प्रियांशु अगेन तुम गलत लिख रही हो. ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव. इनएक्टिव कौन लिख रहा है? क्या यार, तुम लोग इसका मतलब तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल ही नहीं है. आई एम रियली वेरी सॉरी. तुम इतना कम कंसंट्रेशन कम है तो रहने दो यार. अरे समझ नहीं पा रहे हो क्या? इट्स ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव. पहले तो बताओ ये ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव. गलत जो लिख रहे हो सॉरी तो बोले. जी सर, आई एम सॉरी, हमने गलत कर दी. इतना मेहनत करके हम बोल रहे हैं और आप उल्टा सीधा लिख रहे हो. एक आध बच्चे गलत लिख दिए. माय क्वेश्चन इज क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव?
ओके गुड। चलो क्या एक दूसरे का मिरर इमेज दिखाई दे रहा है, यस और नो? मेरे को सुनना है यस और नो। और ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज को क्या कहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव का मिरर इमेज को क्या कहते हैं? एनांशियोमास। एनांशियोमास, व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ एनांशियोमास? एनांशियोमास आर सुपर इम्पोजिबल, नॉट सुपर इम्पोजिबल? एनांशियोमास आर सुपर इम्पोजिबल, नॉट सुपर इम्पोजिबल? मैं देखना चाहूंगा आप कैसे बनाते हो नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये देखिए तो मैं बना रहा हूं। क्या मैं सुपर इम्पोज कर रहा हूँ? क्या प्रॉब्लम हो गया मेरे को समझा दो, क्या प्रॉब्लम हो गया? ग्रीन के पीछे ग्रीन जा रहा है, ग्रीन एंड ग्रीन सुपर इम्पोज कर रहा है, दोनों ग्रीन सुपर इम्पोज कर रहा है, बट कौन सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है? सारे एटम सुपर इम्पोज करना चाहिए, कौन सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है बोलो? सर ब्लू वाला नहीं कर रहा है, वायलेट ब्लू नहीं कर रहा है, व्हाइट ऑरेंज नहीं कर रहा है, सर कॉर्नर वंस नहीं कर रहा है। अगर कॉर्नर वंस नहीं कर रहा है, वायलेट ऑरेंज वायलेट ब्लू नहीं कर रहा आपस में, व्हाइट ऑरेंज आपस में नहीं कर रहा है, व्हाइट ऑरेंज आपस में नहीं कर रहा है, सो इट्स अ सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल, इट्स अ सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज इज कॉल्ड एनांशियोमास। कितना फील आना चाहिए यार तुम लोग, कितने फील दे रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे को समझ में आ जाए, क्योंकि हम लिखते हैं पर आपको आप लिख लेते हो, आपको समझ में कुछ नहीं आता है, कोई मतलब नहीं है, सब बेकार हो जाता है। हमें राइट कैसे नो? यू गॉट द पॉइंट? क्लियर? अगर क्लियर है तभी मैं आऊंगा, बोलो क्लियर है क्या, बताओ? यस सर क्लियर है। ओके चलिए द नेक्स्ट कंपाउंड। द नेक्स्ट कंपाउंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड ए शुरू हो गया। कौन सा शब्द है, कुछ कह सकते कि आप लोग? क्या आप कह सकते कौन सा कंपाउंड? इट्स अ साइक्लिक। छह कार्बन है रिंग में, आराम से, मेरे को जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं है। छह कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन। सबको आ रहा है साइक्लोहेक्सेन? बट दोनों हाइड्रोजन एक रेड से और एक ग्रे कलर से सब्स्टिट्यूट हो गया। विदित ने सबसे पहले आंसर दिए करेक्टली, ही सेड इट्स ए डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। कितने बच्चे को डाई सब्स्टिट्यूट साइक्लोहेक्सेन? मैं बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या आपको लग रहा है डाई सब्स्टिट्यूट साइक्लोहेक्सेन? यस यस। सारे हाइड्रोजन दो ग्रुप डिफरेंट है, कौन कौन ग्रुप किससे सब्स्टिट्यूट किए, क्या क्या कलर यूज किया आपने? दो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, क्या क्या कलर यूज किए? एक से रेड कलर और एक आपका ग्रे कलर। आप देखिए तो ये दोनों सेम साइड में है ना, और ऑपोजिट साइड में, ये देखिए ए ऊपर था ए नीचे है, इट्स ए वन टू डाई सब्स्टिट्यूटेड, इट्स ए वन टू डाई सब्स्टिट्यूटेड, एंड नीचे है रेड नीचे एंड टू में ग्रे ऊपर व्हाइट नीचे। माय क्वेश्चन है, एक ऊपर ग्रे ऊपर जा रहा है एंड रेड नीचे जा रहा है, इट्स ए ट्रांस कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन का एक कौन सा कंपाउंड? ग्रे ऊपर जा रहा है, देखिए व्हाइट नीचे है, नहीं यार इनको समझ में नहीं आ रहा, व्हाइट नीचे है ग्रे ऊपर है दिखाई दे रहा है, एंड इसके जस्ट बगल में व्हाइट ऊपर रेड नीचे, इसका मतलब इट्स अ सीज, इट्स अ ट्रांस एंड इट विल शो एनीबॉडी, इट विल शो जी आई। साइक्लो एल्केन कब जी आई शो करते हैं, क्या आंसर देंगे आप? साइक्लो एल्केन कब जी आई शो करते हैं, क्या आंसर देंगे? सर हम आंसर देंगे इसमें कोई भी दो कार्बन, वन टू भी हो सकते, वन थ्री भी हो सकते, वन फोर भी हो सकते, वन टू पोजीशंस, वन थ्री पोजीशंस, वन फोर पोजीशन में अलग अलग कार्बन के साथ ग्रुप होना चाहिए।
यहाँ पे कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप? व्हाइट एंड रेड. यहाँ पे कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप? आराम से बोलो, आराम से बोलो. कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप? कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप? व्हाइट एंड रेड. यहाँ पे कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप? व्हाइट एंड ग्रे. अगर कोई भी दो कार्बन में अलग अलग ग्रुप है, अगर कोई भी दो कार्बन में अलग अलग ग्रुप है, कोई भी दो कार्बन, कौन सा कार्बन? इधर इट इज 1-2 और इट इज 1-3 और इट इज 1-4, इधर इट इज 1-2 और इट इज 1-3 और इट इज 1-4. कोई भी दो कार्बन में अगर अलग अलग ग्रुप होता है, इट कैन शो. एनीबॉडी? इट कैन शो. जी आई. इट्स ए 1-2, इट्स ए 1-3. बताओ. इट्स ए 1-2, इट्स ए 1-3. बताओ. इट्स ए 1-2. अरे एक रेड नीचे दिखाई दे रहा है, आराम से. अगर दिखाई नहीं दे रहा है वो भी बता देना. रेड नीचे दिखाई दे रहा है, रेड नीचे नीचे दिखाई दे रहा है. इट्स ए डाउनवर्ड. रेड इज डाउनवर्ड. एम आई राइट? ग्रे इज अपवर्ड. ग्रे इज अपवर्ड. एम आई राइट? एंड इट्स ए डाउनवर्ड, इट्स ए अपवर्ड. एनीबॉडी? व्हाट यू कैन से? इट्स ए सिस ट्रांस. इट्स ए ट्रांस. चलो आगे बढ़ते हैं. कौन बोलेंगे? कौन बोलेंगे? पहले तो बताओ, इज इट साइक्लोहेक्सेन एल्केन और नॉट? मैं पूछना चाहूंगा, एक कैसा डेरिवेटिव? सोच के बोलिए, सोच के. कोई बच्चे लिख रहे 1-3. इट्स ए डाई सब्स्टिट्यूटेड मोनो सब्स्टिट्यूटेड. इट्स ए डाई और मोनो सब्स्टिट्यूटेड. पहले बताइए, डाई. इट्स ए 1-2, 1-3, 1-4. एकदम दिखाई दे रहा है, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है. यहाँ एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है. उसके बाद नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब तुम पढ़ नहीं, तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे पा रहे. इट्स ए 1-4. एवरी स्टूडेंट इज राइटिंग. वेरी गुड, वेरी गुड. इट इज 1-2, 1-3, 1-4. इट्स ए 1-2, 1-3, 1-4. इट्स ए 1-4. चलिए बताइए. इट्स ए सी, इट्स ए ट्रांस. चलिए ए देखिए. ऑरेंज और रेड जो ही है, रेड ऊपर है. देखो रेड ऊपर है, बिल्कुल रेड ऊपर है. रेड ऊपर है सर, रेड ऊपर है. देयर इज नो डाउट. रेड ऊपर है, देयर इज नो डाउट. एंड यहाँ पे ग्रे क्या है? ग्रे क्या है? कौन लिख रहे? आदित्य लिख रहे. नो जी आई. क्या बात है आदित्य, तुम कैसे लिख रहे हो नो जी आई? क्या ग्रे ऊपर है और ग्रे ऊपर रेड ऊपर? आदित्य कैसे लिख रहे हो यार? रेड ऊपर ग्रे ऊपर, रेड ऊपर ग्रे ऊपर, ब्लैक व्हाइट नीचे, व्हाइट नीचे, व्हाइट नीचे, व्हाइट नीचे, रेड ऊपर ग्रे ऊपर. कोई लिख रहे ट्रांस. अंकित पता नहीं कोई लिख रहे, मेरे नाम ने देखा नहीं. इट्स ए ट्रांस. कैसे लिख रहे हो ट्रांस? इट्स ए ट्रांस. इट्स ए सीज. अंकिता, यस अंकिता. इट्स ए ट्रांस. इट्स ए सीज. इट्स ए सीज. वेरी गुड, वेरी गुड अंकिता. इट्स ए सीज, इट्स ए ट्रांस. क्या लिख रहे हो? सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा है. यस, इट्स नथिंग बट इट्स अ सी स्ट्रक्चर. सो कैन आई से साइक्लोहेक्सेन कैन शो जी आई ऑन नॉट? एनीबॉडी? साइक्लोहेक्सेन कैन शो जी आई ऑन नॉट? इट्स ए मोनो सब्स्टिट्यूटेड, इट्स ए डाई सब्स्टिट्यूटेड. इट्स ए मोनो सब्स्टिट्यूटेड, इट्स ए डाई सब्स्टिट्यूटेड. इट्स ए डाई सब्स्टिट्यूटेड. एक एक कार्बन में 1-2 शो कर सकते, यस सर. 1-3 शो कर सकते, यस सर. 1-4 शो कर सकते, यस सर. एंड एक एक कार्बन में दोनों ग्रुप, रेड एंड व्हाइट ग्रुप्स आर डिफरेंट. एक एक कार्बन, कार्बन में दोनों ग्रुप, दोनों ग्रुप्स, दो ऐसा मिनिमम कार्बन होना चाहिए रिंग में. दो ऐसा मिनिमम, तीन भी हो सकते, चार भी हो सकते. अगर दो मिनिमम कार्बन में ग्रुप डिफरेंट हो गया, दो मिनिमम कार्बन में ग्रुप डिफरेंट हो गया, दो मिनिमम कार्बन में ग्रुप डिफरेंट हो गया, देन जी आई पॉसिबल. एग्जैक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूं. यस और नो? चलिए देखिए क्या है जी आई पॉसिबल. इट्स ए मोनो डाई ट्राई सब्स्टिट्यूटेड. बताओ. मैं तो अभी कुछ नहीं बोलूंगा, देखते हैं. सारे बच्चे करेक्ट लिख रहे, अभी तक करेक्ट लिख रहा है, अभी तक करेक्ट लिख रहा है, सारे बच्चे करेक्ट लिख रहे हैं. इट्स ए मोनो डाई ट्राई. इट्स ए ट्राई. क्या ये जी आई शो करेगा? क्या ये जी आई शो करेगा? मैंने क्या बोला था? मिनिमम दो कार्बन. अगर तीन कार्बन में होते होगा ही यार. अगर तीन कार्बन में होता है
तो डेफिनेटली वो शो करेगा यार व्हाट ग्रीन एंड ग्रीन. माय क्वेश्चन इज एक बार देखो ग्रीन एंड येलो आपस में, ग्रीन एंड येलो आपस में सीज आ रहा है, वेरी गुड. येलो एंड ऑरेंज, ऑरेंज नीचे चल रहा है और रेड बोल सकते हैं, रेड नीचे चल रहा है, येलो ऊपर चल रहा है, आपस में ट्रांस. सो यहाँ पे इज इट सीज और ट्रांस हम नहीं कह सकते, इट इज सीज और ट्रांस हम नहीं कर सकते, बट इतना कह सकते दिस एंटायर कंपाउंड यस, क्योंकि ये डिपेंड करते ग्रुप टू ग्रुप. बट ए कह सकते दिस एंटायर कंपाउंड कैन शो, दिस एंटायर कंपाउंड कैन शो व्हाट आई कैन से जी आर. कितना मजा आया बोलो, आया मजा आया, यस और नो? हर चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, यस और नो? जितने बच्चे को जीआई के बारे में आइडिया आ गया बताओ. अभी तो मेरे को सुनना है बच्चे, कितने बच्चे को समझ में आया, कितने बच्चे को जीआई के बारे में आइडिया आ गया, कितने बच्चे कॉन्फर्मेशनल प्री रोटेशन करके कॉन्फर्मेशन होता है आया समझ में, कॉन्फर्मेशनल आया समझ में? और भी मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर लिखे है, मैं आप और देखना चाहते हो देखिए, इट्स अ वेरी गुड वन बट इट्स अ डिफिकल्ट वन. क्या है बताओ तो, क्या है? एकदम फील आएगा सर ये एलीन नहीं है, एक डबल बॉन्ड एक रिंग, ए देखो ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, आपको समझ में ही नहीं है, इट्स अ थ्री मेंबर रिंग, ए देखो नहीं आ रहा है, थ्री मेंबर रिंग नीचे है और ऊपर है एक डबल बॉन्ड, टू डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू वन डबल बॉन्ड वन रिंग. ए देखिए तो दे आर इन द सेम प्लेन, दे आर इन द डिफरेंट प्लेन, देखिए चेंज हो गया, प्लेन चेंज हो गया. क्या मजा आया, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा. नीचे वाला थ्री मेंबर रिंग दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर लेके आए, बना बना के लेके आया सारे स्ट्रक्चर यार भाई. नीचे वाला स्ट्रक्चर साइक्लोप्रोपेन है यस, और ऊपर वाला एक डबल बॉन्ड है. अच्छा जब हम आपको बोलते थे टू डबल बॉन्ड, जब हम आपको बोलते थे टू डबल बॉन्ड, इट्स अ प्लैनर इट्स अ नॉन प्लैनर, ये पहले तो इनको बता दो, इट्स अ प्लैनर इट्स अ नॉन प्लैनर, इट्स अ नॉन प्लैनर. ग्रुप्स आर इन द सेम प्लेन डिफरेंट प्लेन, ग्रुप्स आर इन द सेम प्लेन और डिफरेंट प्लेन, ग्रुप्स आर इन द सेम प्लेन डिफरेंट प्लेन. ए बी, ए देखिए एक डबल बॉन्ड एक रिंग, वो भी इक्वल टू टू डबल बॉन्ड, वो भी इक्वल टू टू डबल बॉन्ड. ए देखिए दे आर इन द सेम प्लेन, ए दोनों व्हाइट एंड ए दोनों ग्रुप, सेम प्लेन और डिफरेंट प्लेन. पहले बताओ ये आपको समझ में है, ए हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, चारों ग्रुप व्हाइट हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और ए आपका वर्टिकल प्लेन में है. इट्स अ प्लैनर इट्स अ नॉन प्लैनर, इट्स अ प्लैनर इट्स अ नॉन प्लैनर. नाउ जो क्वेश्चन पूछने वाले है, क्या ए जी आई शो करेगा, क्या ए जी आई शो करेगा? कुछ बच्चा यस लिख रहा है, कुछ बच्चा नो लिख रहा है. ए दोनों ग्रुप के रेस्पेक्ट में ए दोनों ग्रुप जी आई शो नहीं करेगा, बट थ्री मेंबर रिंग एनी साइक्लिक रिंग जी आई होता है ना, जब दोनों कार्बन मिनिमम, दोनों कार्बन मिनिमम नहीं. जागृति you are writing the same the correct thing, this white cannot show gi with respect to three member ring, this allene system, this system mai iska baat kar raha hu, this system iske sath gi show nahi karega because they are in the different plane, but this four are in the, this four do green or do white, do green and do white, they are in the same plane, they are in the same plane. एंड कौन सा स्ट्रक्चर बना के रखा मैंने, मैंने कौन सा स्ट्रक्चर ग्रीन ग्रीन के साथ साथ ग्रीन ग्रीन के साथ कौन सा स्ट्रक्चर बना के रखा, कौन सा स्ट्रक्चर बना के रखा ग्रीन ग्रीन के साथ, मतलब आपको इतना फील आएगा धीरे धीरे मैं डिफिकल्ट में आ रहा हूँ. ग्रीन ग्रीन के साथ सेम साइन, एंड आपको पता है थ्री मेंबर रिंग में कोई भी दो कार्बन में, अब भी अभी पता है थ्री मेंबर रिंग में कोई भी दो कार्बन में अगर ग्रुप डिफरेंट होता है, अगर ग्रुप डिफरेंट होता है देन इट कैन शो थ्री मेंबर रिंग में कोई भी, नॉट थ्री नॉट फोर नॉट फाइव नॉट सिक्स, एनी साइक्लिक रिंग में कोई दो कार्बन में अगर ग्रुप डिफरेंट होता है, कोई दो कार्बन में अगर ग्रुप डिफरेंट होता है इट कैन शो, इट कैन शो व्हाट यू कैन से, इट कैन शो जी आई. आ रहा है सबका?
क्लियर, एवरीबॉडी गॉट व्हाट आई एम सेइंग? कंपाउंड को एकदम दिखाई दे रहा है? ओके डन। आपको पता है कौन सा कंपाउंड? आप तो डर जाओगे। कितने कार्बन? सात। देखो कार्बन ही दिखाई नहीं दे रहा है इन लोग को, इन लोग को इतना हाल खराब है। कार्बन ही इनको काउंट नहीं कर पा रहा है। हाँ, कितने कार्बन? आठ। पाई बॉन्ड दिखाई दिए? पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है, आठ कार्बन में एक पाई बॉन्ड, आठ मेंबर साइक्लिक रिंग में एक पाई बॉन्ड। विदित ने सबसे पहले आंसर दिए, और इसका नाम क्या है? आठ कार्बन में एक पाई बॉन्ड। अरे यार, आठ कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर एक पाई बॉन्ड, ओ माय गॉड, क्या नाम है? ऑक्टीन, यस सौम्य, यस इट्स ए ऑक्टीन, इट्स ए साइक्लो ऑक्टीन, यस और नो? एंड साइक्लोक्टीन, पहले तो ये बताइए, ये देखिए डबल बॉन्ड, मैं जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? कितने बच्चे को डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है बताओ, सिर्फ डबल बॉन्ड देख। अच्छा, डबल बॉन्ड के दोनों दोनों व्हाइट कैसे पोजीशन पे जा रहा है डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में? डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में दोनों व्हाइट कैसे पोजीशन में जा रहा है? सेम साइड ऑपोजिट साइड, इट्स ऑपोजिट साइड, सो इट्स अ सीज, इट्स अ ट्रांस। सो साइक्लो एल्कीन कब जीआई शो करेगा? साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन तो हमने पढ़ा दिए, साइक्लो एल्कीन कब जीआई शो करेगा? इसमें मिनिमम कार्बन, इसमें मिनिमम कार्बन, नहीं 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 नहीं, मिनिमम कार्बन तीन मेंबर साइक्लो एल्कीन नहीं करेगा, फोर मेंबर नहीं करेगा, फाइव मेंबर नहीं करेगा। साइक्लो प्रोपीन करेगा क्या? साइक्लोप्रोपीन करेगा क्या? नहीं करेगा। साइक्लोपेंटीन, साइक्लो कितने मिनिमम कार्बन कितना होना चाहिए? मिनिमम कार्बन किसी की तरफ सेवन लिखते हैं, किसी की तरफ एट लिखते हैं, मैं एट बोलता हूँ, सेवन से ज्यादा। क्या बोलूंगा? मिनिमम कार्बन कितना होना चाहिए? क्या बोलेंगे? मिनिमम कार्बन कितना होना चाहिए? व्हाट आई एम सेइंग, इट्स ए सेवन से मोर देन सेवन, एग्जैक्टली। सो माय क्वेश्चन इज, इट्स ए सीज, इट्स ए ट्रांस, सोच के बोलिए। डिफिकल्ट स्ट्रक्चर तो तुमको करना तो पड़ेगा ना, बोलो सीज और ट्रांस, देख रहे हो? ये देखिए सीज और ट्रांस, तो इसका क्या नाम है? और इसमें कोई सिमेट्री नहीं मिलेगा, कोई सिमेट्री नहीं मिलेगा। सो माय क्वेश्चन इज, ए दोनों व्हाइट ऑपोजिट साइड दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, यस और नो? एंड इट्स अ सीज और ट्रांस, इट्स अ ट्रांस, एंड इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। और अगर सिमेट्री नहीं है, कोई मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री ना होने से, कोई मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री ना होने से, इट इज ऑप्टिकली एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में एनेंशियमर होगा। मुस्कान लिख रहा है, सर कैसे हो गया ट्रांस? मुस्कान सिर्फ डबल बॉन्ड को देखो बेटा, सिर्फ डबल बॉन्ड देखो, तो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ओनली डबल बॉन्ड आई एम सेइंग। और दोनों व्हाइट हमने कैसे रखा? दोनों व्हाइट कैसे रखा? ऑपोजिट साइड, सेम साइड, ऑपोजिट साइड, वेरी गुड। एंड दोनों कार्बन कार्बन बॉन्ड, देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, और इधर एक बॉन्ड, मेरा दो दो बॉन्ड मैंने रख दिए। दे आर इन द सेम साइड ऑपोजिट साइड, दे आर इन द सेम साइड ऑपोजिट साइड, एक नीचे गया, एक ऊपर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, और सेम ग्रुप्स आर इन द ऑपोजिट साइड, सेम ग्रुप्स आर इन द ऑपोजिट साइड, कौन बोलेंगे? दैट्स आवर ट्रांस स्ट्रक्चर, दैट्स आवर ट्रांस स्ट्रक्चर, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम सेइंग, यस और नो? सारे आ गया? कितने बच्चे को आया समझ में? टेल मी, एवरीबॉडी गॉट? स्ट्रक्चर में क्लियरिटी है,
अच्छा मेरे साथ से सब सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स। माय पॉइंट इज जीआई होने के लिए फ्री रोटेशन रेस्क्यू पे मैं एकदम फंडामेंटल चीज आज डिस्कस कर रहा हूँ ताकि मैं नेक्स्ट क्लास से मैं शुरू कर सके। जीआई होने के लिए मॉलिक्यूल में फ्री रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या सीज एंड ट्रांस आइसोमर आपस में एक दूसरे से इंटरकन्वर्शन हो सकते? कैन इट बी इंटरकन्वर्टेड? नो सर। वेरी गुड। क्या ये दोनों सेम मॉलिक्यूल आर टू डिफरेंट एंटिटी? क्या दिस आर टू सेम मॉलिक्यूल? देयर दिस आर टू डिफरेंट सिस्टम। दिस आर टू डिफरेंट सिस्टम एंड डबल बॉन्ड को एक दूसरे से इंटरकन्वर्शन नहीं होता है। फ्री बॉन्ड, यू नो, सिंगल बॉन्ड में कैसे होगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्या उसमें फ्री रोटेशन होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बात कर रहा, फ्री रोटेशन होता है। क्या उसमें जीआई पॉसिबल? मैं एकदम फंडामेंटल, आज एकदम फंडामेंटल पॉइंट डिस्कस कर रहा और धीरे धीरे डिफिकल्ट में आऊंगा। क्या उसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। फ्री रोटेशन नॉट पॉसिबल। ओके, अगर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्या वो जीआई शो करेगा? नहीं, फ्री रोटेशन पॉसिबल, जीआई शो नहीं करेगा। वेरी गुड। तो क्या शो करेगा? अगर वो रोटेट करते रहेंगे बॉन्ड को, अगर रोटेट करते रहेंगे ऐसा करके, बॉन्ड को रोटेट करते रहेंगे, तो सीधा बॉन्ड रोटेशन है। देखिए बॉन्ड को रोटेट कर रहा है, बॉन्ड रोटेट हो रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर मिल रहा है? कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर। ऐसा कितना कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर मिलेगा? ऐसा कितने कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर मिलेगा? इनफाइनाइट नंबर। वेरी गुड। क्या उसको आप आइसोलेट कर पाएंगे रूम टेम्परेचर में? नो सर, उसको आइसोलेट हम नहीं कर पाते हैं। और इस तरीके से जो रोटेशन हो रहा है उसको हम फ्लिपिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इसको फ्लिपिंग कहते हैं। और मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी फ्लिपिंग दिखाऊंगा। द नेक्स्ट पॉइंट माई पॉइंट इज एंटी फॉर्म, गॉच फॉर्म, क्या ये जीआई फॉर्म है और कन्फर्मेशनल फॉर्म है? क्या ये सेम मॉलिक्यूल है, क्या वो डिफरेंट मॉलिक्यूल है? बच्चे लिख रहे कन्फर्मेशनल फॉर्म है। वेरी गुड। क्या ये सेम मॉलिक्यूल है डिफरेंट मॉलिक्यूल? द सेम मॉलिक्यूल है। क्या सेम मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल? सेम मॉलिक्यूल है। और अगर दो काइरल सेंटर में सिमेट्री आ गया और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा, उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं। वेरी गुड। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का दो नाम है, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव को कहते हैं एकाइरल कंपाउंड। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को? क्या कहते हैं? एकाइरल, नॉट काइरल। काइरल मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या बोला मैंने? और जो मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया, जैसे जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मॉलिक्यूल, इट्स अ सीज, इट्स अ ट्रांस। टेल मी, इट्स अ सीज, इट्स अ ट्रांस, इट्स अ ट्रांस। ये देखिए, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना, एक के पीछे दूसरा, व्हाइट के पीछे व्हाइट। क्या इससे सिमेट्री है? कौन सा सिमेट्री है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अरे यस और नो? एंड नॉट ओनली सेंटर ऑफ सिमेट्री सर, इसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। ऐसा करके काटेंगे सर, ऐसा करके, ऐसा स्लाइस करते हो ना, स्लाइस, ऐसा स्लाइस करेंगे तो इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मिलेगा। सो जिसमें इसमें ट्रांस कंपाउंड में क्या क्या है? ट्रांस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। बाद अगर मैं आपको पूछे सीज कंपाउंड, क्या सीज कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? क्या सीज कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री? ग्रीन के नीचे ग्रीन तो नहीं है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है सेंटर में होना चाहिए। और यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसका ऑपोजिट साइड में जो ग्रुप है ग्रीन के ऑपोजिट साइड में ग्रीन मिलना चाहिए। सेंटर से अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्रीन के पीछे ग्रीन मिलना चाहिए, व्हाइट के पीछे व्हाइट मिलना चाहिए। तो इसमें क्या है? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बच्चा कह रहे हैं यस, बच्चा कह रहे हैं इसमें क्या है? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। वेरी गुड, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। नाउ मैं साइक्लिक मॉलिक्यूल दिखाना चाहता हूं। देखिए साइक्लिक मॉलिक्यूल, सबसे पहले मैं यहाँ पे, इससे मोनो, इससे डाई सब्स्टिट्यूटेड बता दीजिए, कौन सा स्ट्रक्चर? मोनो और डाई सब्स्टिट्यूटेड, आराम से देखना। वैसे इसको बोल के आज छोड़ देंगे, आज कुछ नहीं लिखा है, समझ में आ रहा है? आज ओनली व्हाट आई हैव डन, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाता है? पता नहीं रिकॉर्डिंग मिलता है नहीं मिलता है।
क्या रिकॉर्डिंग मिल जाता है ना आज का क्लास, जिन्होंने मिस किए उनका बहुत नुकसान हो जाएगा क्योंकि एकदम बेसिक पॉइंट हमने आज डिस्कस कर ली। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू फील इट्स ए साइकिल एक्सेंट? बहुत अच्छा से सुनना। देखो तो इस साइकिल एक्सेंट में कितने कार्बन है? साइकिल एक्सेंट में कितने कार्बन? छह। Three are above the plane, three are slightly below the plane. If this is above the plane, this is slightly below. This is above, this is below, this is above, this is below. और ये जो तीन आप देख रहे हो 90 डिग्री में, ये 90 डिग्री है प्लेन के साथ 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। ये जो 90 डिग्री में जो बैठे हैं, ये जो मेरा उंगली के ऊपर और उंगली के नीचे, इस उंगली के ऊपर और इस उंगली के जस्ट नीचे, इसको कहते हैं एक्सियल बॉल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक्सियल बॉल। एंड ए वाला जो है दे आर अपवर्ड, थ्री अपवर्ड। एंड ए जो नीचे जो है, नीचे जो है दिस हैंडल्स, आराम से टेक योर ओन टाइम, दिस थ्री अपवर्ड एंड दिस थ्री, anybody, this three downward, कितने बच्चे को आया? This three downward and this three upward, yes, and आपको कैसे पता लगेगा? Upward, जो ऊपर वाला कार्बन है, देखिए इस कार्बन थोड़ा सा ऊपर है, इसका अपवर्ड इट इज एक्शियल। अगर ये कार्बन ऊपर है, ये थोड़ा सा नीचे, नीचे कार्बन का जो नीचे वाला हाइड्रोजन, इट्स एक्शियल। ऊपर कार्बन का अपवर्ड एक्सियल, नीचे कार्बन का डाउनवर्ड एक्सियल। और एक बार मेरे साथ से सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ऊपर कार्बन का अपवर्ड, ऊपर कार्बन का अपवर्ड एक्सियल और नीचे कार्बन का डाउनवर्ड, नीचे कार्बन का डाउनवर्ड, ये देखिए नीचे डाउनवर्ड, नीचे कार्बन का डाउनवर्ड, ये देखिए नीचे कार्बन का डाउनवर्ड, दे आर एक्शियल, ऊपर कार्बन का अपवर्ड, दे आर एक्शियल। एम आई राइट? नाउ मैं क्या करूंगा, रेड मेरा कौन सा पोजिशन में है बताओ, एक्सियल और इक्वेटोरियल? एक्सियल हो गया ना। एंड ग्रे मेरा कौन सा पोजिशन में है? ओह माय गॉड, दिखाई दे रहा है क्या? स्माइल दो यार, अभी 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 मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, स्माइल दीजिए। हॉरर हो गया ना, हॉरर फिल्म चल रहा है ऐसा लग रहा है। सस्पेंस नहीं, ऐसा लग रहा है सस्पेंस हो रहा है, ये क्या हो गया? मेरे ख्याल से पीछे से कोई अटैक करने वाले हैं, सामने से मैं दिखा रहा ऑल ऑन अ सडन लाइट इज गॉन, पीछे से कोई भूत अटैक करने वाले हैं। चलो ठीक है, गुड, ओके। अच्छा एक मिनट, लेट मी कॉन्सेंट्रेट अगेन। My question is, this is axial, this three axial, this three axial, and this three axial. Am I right? So, there are some carbons, this one, it is projecting outward in the plane. Dekho, gray, isko kehte hai equatorial. So my question is, axial position mein kon hai? Red kon sa position mein hai? Red kon sa position mein hai? एक्शियल, वेरी गुड। और ग्रे कौन सा पोजिशन में? अरे क्या बात है, रेड रेड कौन सा पोजिशन में? रेड इज एक्शियल एंड ग्रे इज इक्वेटोरियल। एक मैजिक दिखाएंगे क्या, बोलो पीसी सर्कल बन जाए? चलो मैं एक मैजिक दिखाना चाह रहा हूं ताकि आपको लगे ये क्या हो गया। और एक बार बोलो, रेड कौन सा पोजिशन में? बोलते रहिए, रेड कौन सा पोजिशन में? एक्सियल। ग्रे कौन सा पोजिशन में? ग्रे कौन सा पोजिशन में? एक्सियल। रेड कौन सा पोजिशन में? एक्सियल। ग्रे कौन सा पोजिशन में? एक्सियल। नाउ ग्रे कौन सा पोजिशन में? ग्रे कौन, मैंने कुछ नहीं किया यार, अरे मॉलिक्यूल वही था, मैंने कुछ नहीं किया। ग्रे कौन सा पोजीशन में? और रेड कहाँ पे आ गया?
रिवर्स हो गया, यस बच्चे करे तो क्या हो गया सर, जादू हो गया क्या? हेलो, एक्चुअली इट्स नॉट ए मैजिक, ए मॉलिक्यूल अपने आप फ्लिप कर रहा है। और फ्लिप करने से क्या होता है, कौन बोलेंगे? फ्लिप करने से एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल में, एक्सियल ग्रुप इक्वेटोरियल में चला जाता है। एंड यस एक बच्चे ने कह रहे, अक्षित ने कह रहे, सर वो आपका पीछे जो भूत था वो ही कर लिए, ये कैसे हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकते नहीं कोई भूत का इफेक्ट नहीं है, देयर इज नो फैंटम एटम्स बिसाइड्स मी, देयर इज नो फैंटम सिस्टम बिसाइड्स मी, घोस्ट इफेक्ट फैंटम इफेक्ट नो, ब्लैक मैजिक नो, इट्स सिंपली कॉल्ड फ्लिपिंग, इट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल अंडरगोस द मॉलिक्यूल अंडरगोस फ्लिपिंग। कुछ नहीं किए, जानते हो क्या किए? अच्छा अभी ग्रे कहाँ पे आ गया बताओ, अभी ग्रे कहाँ पे आ गया? ग्रे अभी एक्शन में, आज मेरे को डिस्कस करना है क्योंकि नेक्स्ट वीक से मैं तीन तीन एक्स्ट्रा क्लास लगा रहा हूँ, मेरा तीन लेक्चर है और तीन और एक्स्ट्रा लगाऊंगा, ताकि एक्स्ट्रा क्लास इसीलिए लग रहा ताकि मैं मॉडल से बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा सके। और आपको आज तो मैंने मॉडल दिखाया, बट नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, हम एक एक करके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विथ मॉडल, ऑब्वियसली वी विल डिस्कस विथ मॉडल। सो सो माय पॉइंट इज यहाँ पे, अच्छा प्लीज शो वंस मोर, अभी ग्रे कहाँ पे आ गया बताओ, ग्रे कहाँ पे आ गया? ग्रे एक्सियल, रेड कहाँ पे आ गया? इक्वेटोरियल। देखो हमने क्या किए, मैं इक्वेटोरियल को एक्सियल करना चाहूंगा, मैं इसको पकड़ लिया, जो इक्वेटोरियल है उसको ऊपर उठाना चाहता हूँ, ये देखो जो जो इक्वेटोरियल है, ये देखो दो इक्वेटोरियल है, मैंने रेड को पकड़ लिया, दो इक्वेटोरियल है दिखाई दे रहा है, ये देखो दो इक्वेटोरियल है दिखाई दे रहा है, पकड़ लिए, ए ए पकड़ के ऐसे कर दिए, देखो तो पकड़ के ऊपर उठा लिए, क्या हो गया, क्या हो गया? फ्लिप हो गया, वेरी गुड इशिका, क्या हो गया? इट्स अ फ्लिपिंग, एंड फ्लिपिंग के वजह से, फिर से फ्लिपिंग, यस फ्लिपिंग के वजह से कैन कैन बोथ टुगेदर बी एक्चुअल, इट कैन नॉट बी। अब समझ नहीं पा, समझ समझना चाहते हो बेटा, ये कैसे हो सकते, दोनों दोनों एक्चुअल तब हो सकते अगर वो दोनों इक्वेटोरियल में रहेगा, उन्नति ए दोनों एक्चुअल तब हो सकते व्हेन इट विल बी टू इक्वेटोरियल, बिकॉज़ ड्यूरिंग फ्लिपिंग एक्चुअल बिकमिंग इक्वेटोरियल एंड वाइस वर्सा, एक्चुअल बिकमिंग इक्वेटोरियल एंड वाइस वर्सा, यू अंडरस्टैंड? यस दैट्स द कॉन्सेप्ट। एंड कोई भी ग्रुप एक्सियल होगा तो इक्वेटोरियल में चला जाएगा, ये देखो मैं तीन ग्रुप से आपको दिखाना चाहता हूँ, बताओ देखते हैं हमारे बच्चे क्या आंसर देते हैं, बताइए येलो कौन सा पोजीशन में, मैं जस्ट देखना चाहता हूँ हमारे बच्चे क्या आंसर देते हैं, उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, येलो कौन सा पोजिशन में, सब लोग एक साथ लिख रहे हैं एक्सियल, वेरी गुड। ग्रीन कौन सा पोजिशन में, सब लोग एक साथ लिख रहा है एक्सियल, वेरी गुड। एंड रेड कौन सा पोजीशन है, रेड रेड, वाह वेरी गुड, यही तो आ गया सबका, बस मैं ये चाह रहा था बच्चे, बहुत बढ़िया आप लोग पूरा समझ में आ गया। नाउ मैं इसको फ्लिप करना चाह रहा हूं, क्या फ्लिप कर दूं क्या? यस सर बिल्कुल आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्लिप करना चाहते हो कर लो, जो इक्वेटोरियल है ये देखिए मैं इक्वेटोरियल को ऊपर उठा रहा हूं, देखो तो माय क्वेश्चन इज अभी अभी येलो कहां पे आ गया? इक्वेटोरियल, क्या बात है, येलो येलो इक्वेटोरियल ग्रीन, क्योंकि दिस इज एक्शियल ग्रीन इक्वेटोरियल, एंड 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 रेड रेड, गलत नहीं बोलना, इट्स एक्सियल, सो बिकॉज ऑफ फ्लिपिंग, सो
So because of flipping, every equatorial group becoming axial, and every axial positions group becoming, every axial positions group becoming equatorial. This is called conformations. But conformations are not GI. पहले तो आप ये बता दीजिए और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा. बताओ रेड और येलो आपस में सीजर ट्रांस, गलत मत बोलना. रेड इज डाउनवर्ड, येलो इज अपवर्ड. रेड एंड येलो आपस में सीजर ट्रांस, आराम से टेक योर टाइम. एक कह रहे हैं रेड एंड येलो आपस में ट्रांस, वेरी गुड. येलो एंड ग्रीन आपस में कौन सा साइड में है? येलो एंड ग्रीन व्हाट साइड दे आर रिलेटिवली विच पोजीशंस? दे आर रिलेटिवली सिस पोजीशंस, वेरी गुड वेरी गुड. सो मैं फ्लिप करना चाहता हूं, मैं फ्लिप करके सिस को ट्रांस नहीं बना सकते, ट्रांस को सिस नहीं बना सकते. फ्लिप करूं करना है, और एक बार मैं बोलना चाह रहा हूं आप लिख लेना, येलो एंड रेड आपस में, येलो एंड रेड आपस में देख के ट्रांस, येलो एंड ग्रीन आपस में, येलो एंड ग्रीन आपस में सिस. मैं फ्लिप करना चाह रहा हूं, चलो फ्लिप करते हैं, देखते हैं क्या होता है. ए देखिए फ्लिप हो गया. बोले क्या सर, आपने अंधेरे में पता नहीं क्या कर दी. ए देखो येलो और ग्रीन आपस में, येलो एंड ग्रीन आपस में सीज, पहले भी सीज था अभी भी सीज, मतलब फ्लिपिंग में कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर चलता है, वो कभी सीज ट्रांस में नहीं होता है. फ्लिपिंग में सीज सीज ही रहेगा, ट्रांस ही रहेगा. दिस आर वेरी डिफिकल्ट टू डिस्कस ऑनलाइन यू नो, बट विदाउट मॉडल. सो आज हम इसीलिए सोचा कि चलो आज मॉडल से हम ऑनलाइन में बच्चे को बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट विदाउट मॉडल, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट. एंड इफ आई एम आस्किंग यू ग्रीन एंड येलो आपस में सीज पोजिशंस में, पहले भी सीज था, यस और नो? एंड येलो एंड रेड आपस में ट्रांस में है, पहले भी वो ट्रांस में था. सो मेरा कहने का मतलब बिकॉज ऑफ फ्लिपिंग, ड्यूरिंग फ्लिपिंग क्या मॉलिक्यूल चेंजेस इट्स ओरिएंटेशन, सिस इज कन्वर्टेड इनटू ट्रांस, क्या ट्रांस इज कन्वर्टेड इनटू सिस? आंसर इज नो. सो व्हाट इज द चेंज? द चेंज इज ओनली ग्रुप्स उसका पोजीशन चेंज कर लेते हैं. पोजीशन मींस आई मीन equatorial becoming axial and axial becoming equatorial. That's the concept what I am saying. Done. Thank you very much. God bless all of you. Have a nice time. मजा आया? कितने बच्चे को आज समझ में आया? इससे फायदा हुआ नहीं हुआ? Flipping अपने आप हो रहा है क्योंकि single bond में free rotation होता है. Yes. फ्लिपिंग अपने आप होता है बेटा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन तो होता ही है. एंड जो सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन ओपन चेन में होता है उसको हम क्या कह रहे हैं? जब साइक्लिक में हो रहा है उसको हम कह रहे हैं फ्लिपिंग. बच्चे का बहुत ज्यादा टेंशन रहता है सर, फ्लिपिंग ये वो उतना समझ में नहीं आता है, कैसे सॉल्व करो, किस तरीके से होता है सर, याद नहीं कर सकते. यू कैन नॉट डू, you cannot remember all the points if you don't understand. Okay, thank you very much. God bless all of you. Have a nice day. Bye.